कोलारस और मुंगावली विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की कराई जांच। कुछ मतदाताओं के नाम रिपीट होने की पाई गई गलती। जिला कलेक्टरों को गलत प्रविष्टि करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश। स्व सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने ग्वालियर में रीजनल सरस मेले का हुआ आयोजन। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। मेले में देश भर के करीब 200 स्व सहायता समूहों के उत्पाद किए गए प्रदर्शित। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकास खंड के ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर फसलों का किया मुआयना। चना और गेहूं सहित रबी की अन्य फसलों के नुकसान की ली जानकारी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों से की मुलाकात। टीकमगढ़ के मोटे के मोहल्ला में बन रहे मदरसे का किया अवलोकन। मुस्लिम समुदाय ने केंद्रीय मंत्री का किया सम्मान। अलीराजपुर में सशक्तिकरण शिविर का हुआ आयोजन। ग्रामीणों को शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की दी गई जानकारी। 200 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत राशि का हुआ वितरण। ग्रामीण महिलाओं को सैनिटरी पैड के इस्तेमाल की दिलाई गई शपथ। सीमा सुरक्षा बल के केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय इंदौर में 48वीं अंतर सीमांत पलाटून वेपन निशानेबाजी प्रतियोगिता संपन्न। देश भर की विभिन्न प्रांतों की बीएसएफ वाहिनियों ने लिया हिस्सा। मिजोरम एंड कछार फ्रंटियर ने प्रथम और गुजरात के द्वितीय स्थान प्राप्त किया। भिंड के नवोदय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत त्रिभाषा सूत्रीय समूह नृत्य का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य की संस्कृति को नृत्य के जरिए किया गया पेश। मुरैना के कैलारस जनपद में स्वच्छता अभियान अंतिम चरण में। शासकीय अधिकारी ग्रामीणों को शौचालय उपयोग करने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। उमरिया के निगहरी में महिला सुरक्षा सम्मान एवं स्वरक्षा को लेकर संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला महिला सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बाल विवाह दहेज प्रथा सहित प्रताड़ना के अन्य मामलों को लेकर महिलाओं को दी गई जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। प्रदेश के 51 जिलों में बनाए गए 660 केंद्र, करीब 283,000 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए की व्यापक तैयारियां। त्रिपुरा के 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान जारी। राज्य के 3,174 केंद्रों पर 20,000 जवान किए गए तैनात। 25 लाख से अधिक मतदाता 292 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। चारिलाम में सीपीएम प्रत्याशी के निधन के चलते 12 मार्च को होगा मतदान। बाबा अलाउद्दीन खां की स्मृति में मैहर में संगीत समारोह का हुआ आयोजन। जाने माने कलाकार दे रहे हैं प्रस्तुतियां। मैहर बैंड की सुमधुर प्रस्तुतियों से हुई शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान सत्येंद्र कुमार पांडे के गायन और श्रुति श्रीवास्तव के कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों ने सभी का मोहा मन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच आज शाम 6 बजे। एक साल बाद वापसी कर सुरेश रैना हो सकते हैं अंतिम एकादश में शामिल। T20 में 2000 रन का रिकॉर्ड पूरा करने के लिए विराट कोहली को चाहिए 43 रन। अनूपपुर में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। PIB भोपाल की अपर महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता और जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति के अलावा जिले के वरिष्ठ पत्रकार हुए शामिल। ग्रामीण पत्रकारिता की दशा और दिशा पर हुई चर्चा। और बादल छटने और मौसम साफ होने से प्रदेश में दिखने लगे हैं गर्मी के तेवर। दिन और रात में तापमान में हुई बढ़ोतरी। चुभने वाली धूप ने किया लोगों को परेशान। एक हफ्ते बाद मौसम का मिजाज और सख्त होने के आसार।